खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस बर्फबारी ने पहाड़ों में तो मौसम को काफी सर्द कर दिया है, लेकिन दिल्ली में सियासी गर्मी अभी भी बरकरार है। प्रदूषण के मामले पे आप देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तलवारें खिंच गई। आपने देखा किस तरीके से विरोध हुआ। ऑड और इवन वाले दिन विजय गोयल जो हैं वो अजीब ही तरीके से कानून तोड़ते हुए नजर आए, और इस बार वही विजय गोयल साइकिल विरोध करने पर उतारू हो गए। पराली के नाम पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरने लगे। एक नया अध्याय जो अब इस विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन की ड्रामेबाजी में जुड़ा है, वो आपको मास्टर स्ट्रोक में देखना चाहिए। और इस बीच ये भी बता दूं कि प्रदूषण का स्तर कोई बहुत शानदार तरीके से उसमें बेहतरी देखी नहीं गई है दिल्ली में। आज जो सवाल दिल्ली की जनता ने खड़े किए हैं वो जवाब नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का विरोध करना है। दिल्ली में आप पराली को दोष देते हैं और पंजाब में आप पराली जलवाते हैं अपनी पार्टी से ही। अगर वहाँ पराली जलने की घटनाओं पर रोक लगाना है तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लगाना है, और नौटंकी करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर। ऑड इवन नाटक है और ऑड इवन से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदूषण जैसी समस्या पर भी इन्होंने मजाक बना के रखा है, इन्होंने राजनीति की है। दिल्ली में प्रदूषण पर राजनीतिक ड्रामा जारी है, और चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज लेने में पीछे नहीं है। राजधानी दिल्ली की सड़क पर ये साइकिल सवार किसकी अगुवाई में ये नारे लगा रहे हैं, अगर आप ठीक से नहीं समझ पा रहे तो हम आपकी ये समस्या दूर कर देते हैं। ये है विजय गोयल, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। दिल्ली में जब से ऑड इवन लागू हुआ है, ये तब से आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और आज ये अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गए, वो भी बैनर पोस्टर के साथ। पोस्टर में लिखा था, पंजाब में आप जलाए पराली, फिर पूछें दिल्ली क्यों हो गई काली। बस इसी सवाल का जवाब जानने विजय गोयल मथुरा रोड पर स्थित मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गए। हालांकि यहां उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से नहीं हुई। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली इनके 19 विधायक हैं, जिसके अंदर सारे गांव पड़ते हैं, वहां जल रही है, जलवा रहे हैं और उकसा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बात है, दिल्ली में आप पराली को दोष देते हैं और पंजाब में आप पराली जलवाते हैं अपनी पार्टी से ही, तो इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। विजय गोयल के आरोप के लगभग डेढ़ घंटे बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। कहा, बीजेपी का प्रदर्शन नौटंकी है जो गलत पते पर की जा रही है। कांग्रेस के दफ्तर पे क्यों नहीं जाती? केजरीवाल जी के एक प्रयास को, जो दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने उठाया, दिल्ली की जनता ने बड़े पैमाने पर सहयोग किया, दिल्ली में प्रदूषण कम भी हुआ। ऐसे सुनहरे अच्छे पवित्र प्रयास को विजय गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद होते हुए भी उसको तोड़ रहे हैं, ऑड इवन को नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का विरोध करना है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि इस राजनीति में दिल्ली का दम रोज घुट रहा है। आज मामूली बूंदाबांदी के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार तो जरूर हो गया, लेकिन दिल्ली की हवा अब भी सांस लेने लायक नहीं है। अभी आप जैसे इस रियल टाइम ऐप में देख सकते हैं कि अभी जो हवा की गुणवत्ता का हाल है वो 219 पर पहुंच गया है। तो पिछले आधे घंटे में ही जो हवा की गुणवत्ता का जो स्तर है उसमें काफी सुधार देखने को मिला है। हल्की बूंदाबांदी के साथ दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हम इस समय कड़कड़डूमा कोर्ट के पास हैं, जहां हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और स्पष्ट संकेत है कि बूंदाबांदी अगर होगी तो प्रदूषण का स्तर कम होगा और ठंड बढ़ेगी। प्रदूषण से सिर्फ इंसान ही नहीं, अब भगवान पर भी संकट आ गया है। वाराणसी के तारकेश्वर मंदिर में आने वाले भक्त और श्रद्धालुओं ने तो मास्क पहना ही था, लेकिन आज शिवलिंग की पूजा भी मास्क लगाकर की गई। जिस प्रकार हमें कष्ट होता है, उसी तरह हमें लगता है कि हम लोग की आस्था कि हमारे बाबा को भी कष्ट होता है, इसीलिए हम लोगों ने आज उन्हें यहाँ मास्क पहनाया है।
जैसे हम लोग अपने सुरक्षित रहने के लिए अब हम लोग जैसे मास्क पहन रहे हैं, वैसे भी हम लोग मान रहे हैं कि बाबा भी मतलब एक प्राण है, एक जीव है और भगवान है, ये है, तो उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं, तो उनको भी मतलब मास्क पहनना जरूरी है। हालांकि सर्दियों के मौसम में भक्त तारकेश्वर मंदिर में अपने आराध्य को कंबल और स्वेटर भी पहनाते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब शिवलिंग को मास्क पहनाया गया।